से बचें। यह हम हिंदी कक्षा नौ स्पर्श भाग एक के काव्य कंड पाठ सात पद के पाठ प्रवेश करने वाले हैं। इस पे दो पद दिया गया है। इस दो पद का अर्थ देखेंगे। इसका कवि रविदास हैं। इस पाठ का प्रवेश करेंगे अभी। यह हम रविदास के दो पद लिए गए हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उसने अपनी तुलना करता है। पहले पद में कवि ने भगवान की तुलना चंदन, बादल, चांद, मोती, दीपक से और भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, दाग, बाती से की है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। अर्थात कवि कहता है कि उनके आराध्य प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, बल्कि कवि का प्रभु हम अपने अंतर में सदा विधान रहता है। यही नहीं, कवि का आराध्य प्रभु हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्श भाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और साइनू जैसे निम्न कुल के भक्तों को कभी सहज भाव से अपनाया है और उन्होंने लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरे पद में कवि ने भगवान को गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला कहा है। रैदास ने अपने स्वामी को गोसाई और गरीब निवाजू पुकारा है। ई का अर्थ गोसाई और गरीब निवाजू को गरीबों का उद्धार करने वाला जैसा पुकारा है। हम अभी यहाँ पाठ सार पहले पद के बारे में देखेंगे, उसका पूरा अर्थ और उसका सारांश देखेंगे। यहाँ पर रैदास के दो पद लिए गए हैं। पहले पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चंद जाता है। कवि के कहना का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि कहता है कि यदि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि प्रभु बादल है तो भक्त मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगती है। यदि प्रभु चांद है तो भक्त उसे देखकर पक्षी की तरह जो बिना अपने पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त उसकी बत्ती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिराई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है, यदि प्रभु स्वामी है तो कवि दास यानी नौकर है। दूसरे पद के कवि भगवान की महिमा का बखाना कर रहा है। कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं।
कभी अपने भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा कर रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्राप्त से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंच बना सकते हैं। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। इस पद का पहले पद का अर्थ व्याख्या। इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था में वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से छट जाता है। कवि के कहना का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर छट जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कवि भगवान से कहता है कि प्रभु, यदि तुम चंदन है तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन और सुगंध पानी के बूंद बूंद से समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपने पलकों को झपकाए चांद को देखते रहता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उसे धागे के समान है जिसमें मोतियां पर पिरोई जाती हैं। उसके असर ऐसा होता है जैसे सोने की सुहाना डाला गया है हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपने भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ। दूसरा पद का वाक्य। इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं, हे मेरे स्वामी, तुझ बिन मेरा कौन है, अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला है। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य
संभव नहीं है। कवि कहते हैं कि भवन ने छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है कि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, न किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और साइनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों को का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। धन्यवाद।